कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के जेपी कॉलोनी में आज पैसे के अभाव में पीड़ित की मौत के बाद परिजन ने बीसी संचालक के घर के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख गोविंदनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बताते चले कि गोविंदनगर के जेपी कॉलोनी में रहने वाले हुकुम कुशवाहा जो बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है जो एक छोटे से मकान में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। हुकुम चंद्र ने अपनी मेहनत की कमाई घर के कुछ दूरी पर रहने वाले बीसी संचालक ललित शर्मा को दे रखी थी, मगर पिछले कुछ दिनों से हुकुम की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुकुम के घर में रखे सभी पैसे खत्म हो गए और उसके बाद जब उनके परिवार के लोग बीसी संचालक ललित शर्मा के घर गए तो उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिस पर पीड़ित परिवार ने उनसे अपने पैसे मांगने का दबाव बनाया तो ललित शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हुकुम कुशवाहा के परिजनों की पिटाई कर दी और भगा दिया, जिसके बाद आज हुकुम कुशवाहा को पैसे ना होने के चलते इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार करने की जगह ललित शर्मा के घर के बाहर रख दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही गोविंदनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि ललित शर्मा उनके सीसी के नाम पर 6 लाख रुपए लिए हुए हैं, जो काफी समय से वापस नहीं कर रहा। परिजनों का कहना है कि जब तक ललित शर्मा उनके पैसे वापस नहीं करेगा तब तक वह अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को काफी समझाने की कोशिश की, मगर मृतक के परिजन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पूरी घटना की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या सर मामला हुआ है? ये मेरे ससुर साहब हुकुम सिंह कुशवाहा, जिनको ललित शर्मा जी से पैसा लेना था 6 लाख रुपए, और उनकी तबीयत खराब होने के उनको जरूरत पड़ी पैसे की, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, हमको दिल्ली जाना था इलाज कराने, उसके कारण उनका स्वर्गवास हो गया। इस मारे हम लोगों ने यहाँ पे आकर सौ रखा है, जब तक तो कोई पैसा नहीं दे देंगे यहाँ से सौ नहीं हटेगा। इससे पहले भी घटना हो चुकी है पैसे मांगने को लेकर के इनसे? हाँ, एक बार वो मेरी छोटी साली आई थी यहाँ पैसा मांगने, जब खून उन चढ़ना था, इलाज चल रहा था, ये डेढ़ महीने से लगभग अस्पताल में है, और इलाज के दौरान छोटी साली आई थी तो उसके साथ इन्होंने हाथापाई भी करी और जो दिमागी तौर से टॉर्चर भी किया और केस भी दायर करा, झूठा मुकदमा दायर करके परेशान भी करने की कोशिश करी। हम लोग अस्पताल से थे, अस्पताल में 1.5 महीने से थे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी आपके मामले में? मुकदमा पंजीकृत किया? अभी तक हमको कोई भी सूचना नहीं है। आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया। परिवार में किसी को गिरफ्तार? अभी तो कुछ नहीं गिरफ्तार। आप लोगों की क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि हमको पैसा दिया जाए और जल्द से जल्द न्याय हो मेरे साथ। कब तक आप यहाँ पे सो रहे हैं? जब तक पैसे के कुछ पैसा नहीं दे देते ये लोग। नगर में हादसा हुआ मौत के बीमारी के दौरान, उनका आरोप है परिजन का कि अगर वो समय से पैसे देते थे तो उसकी मौत न होती। क्या मामला, क्या कार्रवाई? सर, थाना गोविंदपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें एक 50 वर्षीय व्यक्ति जो कि बीमार था उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसके कुछ पैसे जो किसी और व्यक्ति के पास थे वो नहीं हो पाने आने की वजह से समय से इलाज ठीक से नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक तहरीर अप्राप्त है, तहरीर प्राप्त हो जाने पर इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।